आ गए हम अंजुना बीच। अरे यार क्या चल गया, छोटा सा बीच है। ये क्या है, कोरल से क्या है, ये पत्थर ऐसे, पत्थर ऐसा है। वाह देखिए कैसा पत्थर है, अरे वाह, देख पानी नीचे पत्थर ऊपर है, मच्छर कीड़े मकोड़े सब है इसमें। चलो फोटो कैसे लें आप है? गोवा चिल मारने की जगह है, कोई काम धाम नहीं, कुल मिलाकर रेस्ट करिए आप जिंदगी में, खूब रेस्ट करिए, बहुत ज्यादा रेस्ट करिए। तो बज रहे हैं शाम के 5 और हम आ गए हैं आयरन बोल बीच पे। तो 2-3 बीच यहाँ पे आसपास बता रहा है कोई, तो अब ये देखेंगे, तो उसके बाद शाम का भी कोई प्रोग्राम नहीं, उसके बाद देखेंगे। टाइम टाइम का फर्क है, तो दोपहर होते ही थोड़ा सा अच्छा होने लग गया, शाम होने के बाद ना आप देख ब्रीज है हो रही है, ये बीच उन सबसे अच्छा है। आरंभल बीच पे ये चेंज है कि ये जो रेत है ये ग्रे है, बाकी जैसे येलो थी ये ग्रे है। अच्छा एक चीज यहाँ पे अच्छी देखी मैंने गोवा में, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, मतलब बाहर के लोग तो आते ही हैं यहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया के, मगर इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपको यहाँ पे जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आपको लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे हर तरह से। पत्थर बड़ी जोर के लग गए तो भाई सब प्राण निकाल देंगे। देखो जितना भी इंडियन क्राउड है वो सारा का सारा इंडियन क्राउड मैंने बागा बीच पे, और बागा बीच के पास में कौन सा बीच था मैंने, बागा बीच के पास में कौन सा बीच था, केलकट था, क्या नाम था उसका, मतलब बागा बीच के पास में एक और बीच है, वहाँ सारा इंडियन क्राउड है। इधर बिल्कुल अगर आप नॉर्थ में आएंगे गोवा के, तो ये आरमोल है ना, आरमोल नाम है इस बीच का, क्या नाम है इसका, आरंबोल, आरंबोल, आरंबोल बीच में आपको ज़्यादातर इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ कम है और थोड़ा सा ठीक क्राउड है, तो यहाँ आना मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। स्वीट वाटर लेक कहीं से झरना आता होगा ऊपर से, मैं समझता हूँ तो कहीं ऊपर के झरने से ये पानी यहाँ कलेक्ट होता है। नहीं तुम्हें क्यों नहीं जाना बताओ, अरे यार बहुत आज इनका जाने का मन, एक बार पानी में, दो बार पानी, अरे रहने दो तुम, एक बार नीचे से पिछवाड़ा गीला हुआ अगली बार में तो ओनली दी बैक। अरे तुम क्या पानी में घुसे रहोगे क्या, तो गोवा में पानी के अलावा है क्या यार, समय समय अनुसार चीज है, दिन में तो पानी है। आप क्या कहेंगे,
ये देखिए चमकदार हंसी, ये देखिए कोलगेट वाइट, दाने दाने में केसर का दम। भैया को देखो, भैया के बाल उजड़ा चमक, हमारे सारे उड़ गए यार बाल यार। इस पानी में देखते जाने का मजा तो आया। चलो चल रहे हैं। ये भी खड़े होने लायक ही है, कहीं गहरा ही नहीं। आपने हमारा पैराग्लाइडिंग वाला ब्लॉग देखा होगा तो देखो ये हो रही पैराग्लाइडिंग। यहाँ लोग पैराग्लाइडिंग यहाँ भी कर रहे हैं, बट ये उतना हाइट पे नहीं है। मुझे लग रहा है हार्डली टू हार्डली ये होगा ऑन एन अप्रोक्स 30 मीटर 40 मीटर हाई होगा, जैसे 50 मीटर हाई होगा, इससे ऊपर नहीं होगा। मतलब कंपेरेटिवली 8,500 फीट या अगर बात करी जाए तकरीबन 9,000 फीट तो बहुत हाई हो जाता है। पर हाँ, ये यहाँ पे रोमिंग ग्राउंड कर सकते हैं, घूम लो यहाँ पे सर्कल्स में। हाँ, हमारे भाई साहब कहाँ बैठे हैं? वो बैठे सामने। अब बज रहे हैं शाम के 6:15 और अब हो रहा है सनसेट बहुत जबरदस्त। देख के चले क्या करें? शाम को करते हैं अलविदा और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बीच इतना खूबसूरत है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं अभी तक 4 बीच विज़िट कर चुका हूँ मगर उन चारों बीच में से मुझे ये वाला बीच सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि यहाँ पे स्वीट वाटर लेक है जहाँ पे आप एक छोटा स्विमिंग पूल कह लीजिए वहाँ तैर सकते हो। और ये बाकी रॉक्स बहुत सुंदर है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि ये नेचुरली बने हैं पानी के बहाव की वजह से, तो गोवा के कुछ ही हिस्सों में मिलते हैं ये, जिसमें से एक ये बीच है जहाँ मिलते हैं। हमारे सुपरमैन ऊपर खड़े हैं, ऊपर से कर रहे हैं इंतजार, और ये हनुमान जी की तरह अभी, क्योंकि ये पवन पुत्र हैं, हमारे चाचा जी का नाम पवन है, तो ये पवन पुत्र श्री हनुमान जी हुए। आ रहे हैं बेटे, आ रहे हैं, तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। जाओ पवन पुत्र, संजीवनी लेके आओ। संजीवनी वो सूरज ढलने से, सूरज उगने से पहले लेके आनी है, जाओ। तो उस बीच से निकलने के बाद अब हम स्कूटी में वापस जा रहे हैं हमारे होटल, जो कि कैलागट में है, और अभी हमारा होटल तकरीबन 10-11-12 किलोमीटर दूर है। हम ये सबसे, मैंने बताया ना, ये सबसे नॉर्थ में है बीच, तो बहुत दूर था ये, बट हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, स्कूटी चलाने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहे हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं अगर कोई क्रूज़ की बुकिंग हो गई, करंट का इस समय ये थक रहा है, अगर बाई चांस ने कह दिया कि चल रहे हैं तो फिर हम क्रूज़ पर जाएंगे। अभी हम, जैसे आपको बताया, अभी स्कूटी से थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले हम आ गए थे हमारे ये BHK पे होटल के रूम में, और हम नहा धो के हो गए फ्रेश, अब जा रहे हैं खाना खाने। रेस्टोरेंट अभी भाई साहब डिसाइड कर रहे हैं, अभी इनका रेस्टोरेंट डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ खाने जाना है, ये ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कल का प्लान हमारा बहुत बिजी है, क्योंकि कल हम सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे, डॉल्फिन से मिलेंगे, बनाना राइड करेंगे, पैरा सेलिंग करेंगे, पैराग्लाइडिंग सॉर्ट ऑफ है, बोट के पीछे होता है वो, और काफ़ी सारी एक्टिविटी करेंगे। कल का पूरा दिन जाएगा, मौका मिला तो क्रूज़ पे भी हम दोनों भाई जाएंगे, और परसों का हम साउथ गोवा घूमने का प्लान बना रहे हैं।
उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट है और फिर वापस अपने मथुरा आ जाएंगे। तो हम अभी खाना खाने आए हैं, ये द्वारका फैमिली रेस्टोरेंट है, प्योर वेज है। तो अगर आप गोवा आ रहे हो और वेजिटेरियन खाना खाते हो तो यहाँ आके खा सकते हो। अभी हमने ऑर्डर किया है, खा के बताएंगे खाना कैसा है। ये रेस्टोरेंट एक गुजराती भाई साहब का है, ओनर जो है गुजराती है, तो खाना तो मतलब वेजिटेरियन ही होगा।